Dear स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अबारत कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर। डिग्री में क्वेश्चन दिया गया है और कहता है कि आप इसको रेडियन में चेंज करें। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने का हमारे पास बकायदा फॉर्मूला है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल पाई ओवर 180 रेडियन। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो है 210 डिग्री। 210 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 1 डिग्री अलग कर लेंगे। इस 1 डिग्री की जगह मैंने ये फॉर्मूला पाई ओवर 180 रेडियन, पाई ओवर 180 रेडियन दर्ज कर दिया है। 210 पाई से मल्टीप्लाई 180 बटा में आ जाएगा 7 रेडियन। हम 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर 3 से कैंसिल 7 आ जाएगा, नीचे 3 से कैंसिल 6 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा 7 पाई बटा में आ जाएगा 6 रेडियन। ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है वो कुछ यूं है, 42 डिग्री 36 मिनट 12 सेकंड। डिग्री वाला हिस्सा पहले लिखा है 42 प्लस 36, हमारे पास मिनट है, इसको आप 60 पे तकसीम कर दो, डिवाइडिंग बाय 60। तो आप इसके ऊपर डैश खत्म करके डिग्री का साइन लिख सकते हैं, प्लस 12 के ऊपर डबल डैश है, यानी सेकंड्स दिए गए हैं। तो आप इसको 3600 से तकसीम कर दें, तो आप डबल डैश को खत्म करके, यानी सेकंड की अलामत को खत्म करके आप इस पे डिग्री का साइन लिख सकते हैं। यानी मिनट का साइन खत्म करने के लिए 60 का तकसीम किया जाता है और सेकंड के साइन को खत्म करने के लिए 3600 यानी 2 दफा 60 से तकसीम किया जाता है, तो इस पे डिग्री का साइन आ जाता है। मैंने तीनों डिग्री के साइन को इकट्ठा करके लिखना, 42 36 by 60 plus 12 of 36 whole degree, 42 plus 36 divided by 60 0.6 plus 12 divided by 3600 तो 0.003 whole degree। इन तीनों हिस्सों को हमने प्लस किया है, तो ये आएगा 42.603 मल्टीप्लिकेशन 1 डिग्री, यानी डिग्री को अलग कर देंगे। हम डिग्री की जगह ये फार्मूला लिखेंगे पाई ओवर 180 रेडियन। ये 42.603 पाई से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा 180। जब हम इसको दोनों कांस्टेंट वैल्यू को तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0.2367 पाई रेडियन। तो ये हमने डिग्री, मिनट और सेकंड वाली जो वैल्यू दी गई थी उसको रेडियन में तब्दील कर दिया। ये इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की इबारत कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री मेजर। हमारे पास रेडियन में क्वेश्चन दिया गया है और उसका कहना यह है कि इसको डिग्री में आप तब्दील करें। 5 पाई ओवर 4 रेडियन। हमारे पास फॉर्मूला है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। 5 पाई ओवर 4 मल्टीप्लीकेशन 1 रेडियन। 5 पाई ओवर 4 मल्टीप्लीकेशन 180 डिग्री ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल, 4 180 से कैंसिल 45 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 डिग्री आ जाएगा। ये हमने रेडियन को डिग्री में तब्दील कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया 5.52 रेडियन। 5.52 मल्टीप्लिकेशन 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। हमने 5.52 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, बटा के अंदर पाई की कीमत लिख देंगे 3.1416। जब हम इस सारे को हल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर पर आप बटन प्रेस करेंगे बीटा वाला, जिसे डिग्री मिनट और सेकंड वाला बटन कहा जाता है। वो वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर डिग्री में, सेकंड, मिनट और सेकंड में अलग-अलग से आ जाएगा, यानी 316 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। आप बी वाला बटन जब प्रेस करेंगे तो वो इस आंसर को मेंशन कर देगा। तो ये हमारा आंसर है, हमने रेडियन को डिग्री में मैयर कर दिया है, यानी डिग्री में तब्दील कर दिया है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की इबारत फाइंड द मिसिंग एलिमेंट L और थीटा वेन। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। L इक्वल टू 8.4 cm, थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। फॉर्मूला है हमारे पास L इक्वल टू r थीटा। L की कीमत है 8.4 इज इक्वल r सेम एज इट इज, थीटा की कीमत है 2.8। ये 2.8 8.4 के बटा में चला जाएगा, इज इक्वल टू आर, यानी इस तरफ सिर्फ आर आ जाएगा। आर सेम एज इट इज। जब आप इसको कैलकुलेटर से तकसीम करेंगे तो ये आएगा 3। देखिए हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर में होगा, यानी अगर लेंथ के साथ सीएम है तो आर के साथ भी आप सीएम लिखेंगे। ये इसका आंसर है। ये हमने आर की कीमत निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। एल इक्वल टू 12.2 cm, r is equal to 5 cm, थीटा की कीमत हम मालूम करेंगे। L equal to r थीटा, L की कीमत 12.2 is equal, r की कीमत 5 और थीटा as it is। इस 5 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो तकसीम के अमल में आएगा, यानी 12.2 divided by 5 is equal to थीटा। थीटा as it is 12.2 divided by 2 2.44। याद रखिएगा कि थीटा या तो रेडियन में होता है या डिग्री में होता है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं होता। थीटा की कीमत हमेशा या तो रेडियन में होगी या डिग्री में होगी। तो हमारे पास 2.44 इसका आंसर है, हम इसके साथ रेडियन लिख देंगे। ये थीटा की कीमत है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। r इज इक्वल टू 620 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री, r की कीमत मालूम करेंगे। देखिए हमने फॉर्मूला में जब थीटा की कीमत दर्ज करनी है ना तो वो लाजमी तौर पर रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में कीमत नहीं दर्ज कर सकते। तो सबसे पहले हमने थीटा की कीमत को रेडियन में तब्दील करना है। 32 मल्टीप्लिकेशन पाई ओवर 180 रेडियन, या क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस भी करके आए हैं कि डिग्री को रेडियन में तब्दील करने का जो तरीका है वो सेम यहाँ पे अमल करेंगे। 32 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास थीटा रेडियन में तब्दील हो जाएगा। अब हमारे पास थीटा की कीमत है 0.5585 रेडियन, यानी हमने डिग्री को रेडियन में, डिग्री की कीमत को रेडियन में तब्दील किया। L इक्वल टू r थीटा, L r की कीमत 620, थीटा की कीमत अब यहाँ से लेंगे 0.5585। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो L हमारे पास आ जाएगा 346.3 मीटर, यानी r अगर मीटर में दिया गया है, यानी r की कीमत अगर मीटर में दी गई है तो लेंथ भी हमारे पास मीटर में आएगी, यानी L की कीमत भी हम मीटर में लिखेंगे। इसकी मेजरमेंट में M लिखा जाएगा।